असलकम मैं हूँ आपका होस्ट असद काजी आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कश्मीर इस्लाबाद स्टूडियो से और मेरे साथ मौजूद हैं मुजीब काजी नॉर्थ टेक्स इस्लामिक कौंसिल यू एस ए के प्रेजिडेंट हैं और इंटरनेशनल इंटरफेत हारमनी पर बहुत दाइयों से काम कर रहे हैं सर आपको क्यों ज़रूरत पड़ी इंटरफे हारमनी की लोग बाहर जाकर कारोबार करते हैं पैसा बनाते हैं माशाल्लाह आपने कारोबार भी किया और साथ में इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमनी पर बहुत दाइयों से आप काम कर रहे हैं आपको क्यों ज़रूरत पड़ी अगर बिस्मान रहीम सबसे पहले तो असद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया जब नाइन अलेवन हुआ तो हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मुसलमान रहते हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में आ गए हमने देखा कि हमारे बच्चे हमारी औरतें जो इस्लामिक कल्चर को ऑब्ज़र्व करती हैं उनके साथ अगर कोई इस तरह का वाक़ पेश आए जो हम बर्दाश्त ना कर सकें तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम मेन स्ट्रीम में जा कर उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएँ कि कौन चंद एक लोग ऐसे अनासर जो हमारे माशरे में हैं जिन्होंने हमारे रिलीजन को हाईजेक किया हुआ है हम उसका उसका सदबाप कर सकें ट्रू एसेंस ऑफ इस्लाम को लोगों तक पहुंचा सकें सो दैट वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद लोकल लीडरशिप ऑफ अदर फेथस जिसमें जो मेन स्ट्रीम पे के फैसटर्स uh, थे इवन जेलक थे दीज आर द राइट विंग क्रिश्चन मेजॉरिटी इन अमेरिका हम उनके साथ इंटरेक्शन interact, हमारा शुरू हुआ हमने इनिशियली उनके साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए और उन प्रोजेक्ट का फा फायदा यह हुआ कि हमने वी वी ट्राई टू ब्रेक द आइस ताकि एक दूसरे के साथ हम लोग बात कर सकें फिर हमने कोशिश की कि हम इमाम्स एंड पास्टर्स को इकट्ठा करें और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं ताकि एक हेल्दी कंडूसिव एंड प्रोडक्टिव डायलॉग शुरू हो सके और उस डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए अभी इसलिए इट डेंट हैपन ओवर नाइट इट टूक अबाउट 15 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल कि हमारे पास हमारे जो फेथ लीडर्स थे ऑफ डिफरेंट रिलीजन दे केम अंडर वन एंड स्टार्टेड वर्किंग विद अदर तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये आ, बड़े अतमाद से ये कह सकते हैं इल्ला माशाल्लाह ओवर 99 परसेंट पास्टर्स एंड इमाम हमारे रिजन में ऐसे हैं कि वो देर वेरी आनेस्ट विद देर ओन रिलीजन विद देयर फैथ लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि मस्जिद का पल या चर्च का जो पोडियम है उसको एक दूसरे के रिलीजन को बैश आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए सो so, ये वो हेल्दी इन्वामेंट था जिसको क्रिएट करने के लिए एक स्ट्रगल का आगाज़ किया गया सो अलहद इट टोक सवाइल्ड बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो अब हम वी हैव गॉन टू अबाउट ट्वेंटी वन सिटीज ऑफ़ यू एस ए आवर गोल इज़ दैट वी इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स वी विल मेक आवर प्रेजेंस हैपन्ड सर हाल ही में इस्लामाबाद में इंटरफे हारमोनी की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आपको मधु किया गया और आपके काम को सराहते हुए आपकी कोशिशों को सराहते हुए सदर ममलिकत प्रजिडेंट ऑफ़ पाकिस्तान ने आपको एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड भी दिया पाकिस्तान में इंटरफे हारमोनी की क्यों ज़रूरत पड़ी Uh, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया मेरे ख़्याल से अगर दुनिया में किसी एक मुल्क को सबसे ज़्यादा इंटरफेथ हामनी की अगर ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान है और उसकी वजह पर मैं बताता हूँ इसके पीछे मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के राइट नहीं प्रोटेक्ट हो रहे या उनको इक्वल uh, सिटीज़न नहीं समझा जा रहा ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान चूँकि दुनिया का वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द इंटायर वर्ल्ड लुक्स एट पाकिस्तान एज़ अ सिंबल ऑफ़ रिप्रेजेंटिंग इस्लाम जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे चंद एक लोगों ने हमारे रिलीजन को हाईजैक किया है और वो सम टाइम वो दूसरों के हाथों में खेलते हुए वो कुछ इस तरह के काम कर जाते हैं कि जिससे हमारा हमारा दीन को धचका पहुंचता है तो उसके लिए ज़रूरी है हमें बाहर से तो कोई आगे डिफेंड नहीं करेगा उसके लिए हमें एज पाकिस्तानी एज़ एज़ मुस्लिम्स एज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ इस्लाम हमारे लीडर्स की हमारे इंडिविजुल्स की हमारे एक्टिविस्ट की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो ट्रू फेस ऑफ़ इस्लाम है द सॉफ्ट में जो ऑफ़ इस्लाम है उसको दुनिया तक पहुँचाया जाए अब उसको प्रोपोगेट करने के लिए उसको बताने के लिए उसको डिस्प्ले करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस की जाती हैं जिसमें पूरी दुनिया से लीडर्स ऑफ़ रिप्रेज़ेंटिंग ऑफ़ डिफरेंट फेथ्स आर इनवाइटेड और ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती ये पूरी दुनिया में होती हैं वाशिंगटन uh, में हुई है मिडल ईस्ट में हुई है मोराको में हुई है आपने सुना होगा मोराको डिक्लेरेशन के बारे में आपने सुना होगा जो मिडल ईस्ट पीस रिकॉर्डर उसके बारे में आपने सुना होगा फिर इसी तरह यहाँ पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस uh, होती हैं उसमें जब बुलाया जाता है इंटरनेशनल लोगों को तो उनको यहाँ के फेथ लीडर्स जो कि सारे रिलिजन को रिप्रेजेंट करते हैं इवन दो कि पाकिस्तान 94 95 परसेंट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है लेकिन जो फोर एंड फाइव परसेंट जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो 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 उनके प्रोटेक्शन हमारे लाज देते हैं हमारा रिलीजन देता है हमारी सोसाइटी देती है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्प्ले दिस सो द इंटरनेशनल कम्यूनिटी कैन सी इट सो मेरा ख्याल है कि ये जो इकदाम किया गया है इससे बहुत ही पॉजिटिव और 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 वेरी इम्पैक्टफुल इमेज जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में डेवलप होगा अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता चलूँ कि जिस तरह का काम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली किया है कि आपने देखा करतारपुर रादारी का जो मंसूबा खोला गया जिसमें जो सिख कम्यूनिटी है उनके लिए पाकिस्तान तो उनके लिए मक्द्दीन है अब उनके लिए उनको फ्री पैसेज दे दिए गए इस तरह इवन कि हमारे सऊदी अरब में मुसलमानों के लिए भी ऐसा नहीं होता तो ये इतना बड़ा कदम उठाया गया तो ये दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी था सो इसी सिलसिले में ये छोटी मोटी भी कॉन्फ्रेंस होती हैं लेकिन ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पूरी दुनिया से दु, लोग आए रिलीजियस लीडर्स आए यू नो पब्लिक ऑफिशल्स आए एम्बेसडर्स आए मिनिस्टर्स आए इवन हमारे प्रेजिडेंट साहब वहाँ पर मौजूद थे सो दिस वॉज टू दैट पाकिस्तान इज़ आन द फोर फ्रंट इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ एज वेल एज़ प्रोटेक्टिंग नम इन गिव दिम राइट्स विच इज़ एक्चुअली एम्बेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हमारी जितनी भी माइनॉरटीज देर देर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इ रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन दैट देर प्रैक्टिस एंड देट नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड दैट नीड्स टू बी एडहेयर टू प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर इसी के साथ वॉइस ऑफ कश्मीर के इस्लाम आबाद स्टूडियो से असद काजी को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि अलकूम